लेकिन एक चीज, रावण की मूंछ हनुमान जी की पूंछ, टक्करी करवाओ तो मूंछ उखड़ गई, पूंछ बची रही। हम 24 घंटे रहते दरबार में टेंशन में, एक ही काम है जागो आशीर्वाद भगवती आशीर्वाद पर्चा कल्याण पेशी करो। अब विचार करो तुम 2 महीना जो ही कर भी पड़े तुम 2.5 महीना बाद सपने में बहालना, फिर क्या घोषणा होगी, पागल हो गए। तो अब अंदर ही अंदर हम बहुत ज्यादा गहरे ना हो जाए कि बाहर ही नहीं आ पाए, इसीलिए बीच बीच में हम ऐसे लोग पकड़ते रहते हैं जैसे इनकी असली मूंछ है, अपन ने कैच कर ली। लेकिन दरबार इसी का विषय है, तल्लीनता का ही विषय है, खो जाने में ही, परमात्मा खोजने से नहीं खो जाने से ही प्राप्त होते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि दिन भर इतनी मेहनत के बावजूद हंसते खेलते कैसे रहते हैं। उन्होंने बताया कि वे लगातार मंचों पर हास्य और व्यंग के माध्यम से खुद को हल्का क्यों रखते हैं, ये बड़ा रहस्य है जो उन्होंने बागेश्वर धाम पर एक दरबार के दौरान खोल दिया। उन्होंने एक व्यक्ति की मूंछों से बात शुरू करते हुए इस रहस्य पर से पर्दा उठाया। एक चीज, रावण की मूंछ हनुमान जी की पूंछ, टक्करी करवाओ तो मूंछ उखड़ गई, पूंछ बची रही। खैर तुम वो नहीं हो, अपने ऊपर मत ले जा, मूंछ बोल असली है नकली, असली है। हमारा मजाक का स्वभाव है, बुरा मत मानना, हम बहुत मनमोजी है ना। हमें क्या है, हम देखो दो लोगों को लगता होगा गुरु जी हंसते हंसाते क्या बात है, कॉमेडियन है क्या? नो, हम 24 घंटे रहते दरबार में टेंशन में, एक ही काम है जागो आशीर्वाद भगवति आशीर्वाद पर्चा कल्याण पेशी करो। अब विचार करो तुम 2 महीना जो ही कर भी पड़े तुम 2.5 महीना बाद सपने में बहालना, फिर क्या घोषणा होगी, पागल हो गए हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम अपने ब्रेन को ठीक करने के लिए बीच बीच में दिमाग को ये बताते हैं कि अपन दरबार वाले भर नहीं है, धीरेन्द्र कृष्ण भी है। ये हमारा फॉर्मूला है दिमाग पे काबू रखने का, ताकि ये साइकिल में जाकर पागल ना हो जाए। ये हमने फॉर्मूला पकड़ लिया कि बीच बीच में हमें दिमाग को कहना, जैसे बहुत ज्यादा ये शक्तियां हैं और अंदर ही अंदर बात होती है, बाहर होती नहीं, बाहर हो तो ठीक है ये लोकान हम नहीं सुनना है, अंदर ही अंदर बात सुननी भी है, कोड में बोलते हैं वो कोड में बातों को समझना भी है। कई बार वो ऐसे शब्द लिख देते हैं जिसका अर्थ हमें खुद नहीं पता होता, उन कोड को समझ के बोलना है। तो अब अंदर ही अंदर हम बहुत ज्यादा गहरे ना हो जाए कि बाहर ही नहीं आ पाए, इसीलिए बीच बीच में हम ऐसे लोग पकड़ते रहते हैं जैसे इनकी असली मूंछ है, अपन ने कैच कर ली। कोई आ जाता है तो ऐसे थोड़ा सा, अच्छा एक चीज है हमारे ब्रेन की, हम अपने दिमाग को कह देते हैं कि आप सो जाओ, कोई काम नहीं है, 10 मिनट में नींद आ जाती है, और अगर कह दिया सुबह 7 बजे जगा देना, अपने आप नींद खुल जाती है, चाहे 1.5 घंटा सो। तो ये जो है आप लोगों को भी है कि किसी भी चीज में खो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे। लेकिन दरबार इसी का विषय है, तल्लीनता का ही विषय है, खो जाने में ही, परमात्मा खोजने से नहीं खो जाने से ही प्राप्त होते हैं। असली मूंछ अंत तो बतवा आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है,